शहर में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद गौरवपथ सड़क और समृद्धि बाजार पूरी तरह जलमग्न हो गया। वहीं पद्मनापुर कॉलोनी में पानी भर रहा। दुर्ग शहर में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश से शहर तरबतर हो गया। निचली बस्तियों में पानी भर गया, साथ ही गौरवपथ की सड़कें पानी से लबालब भर गई। वहीं बता दें, समृद्धि बाजार में घुटनों तक पानी भरा रहा, जिससे स्थानीय सब्जी व्यवसायियों ने सड़क किनारे लगाकर दुकान अपना किसी तरह काम चलाया। जिस तरह से गौरव पथ पर सड़क में पानी भरने के कारण लोगों को आने जाने में तकलीफ के साथ ही किनारे पर अपनी दुकान लगाना पड़ा, दुकानदारों ने अपनी पीड़ा बताते हुए स्थानीय निगम प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए अब तक इसका कोई हल नहीं निकल पाने का बात कही। कार्य क्या दिख रहा है, ये कुछ कोई कार्य नहीं है। जगह जगह तालाब और नदी बन गई है। ये गौरव पथ की हालत देखिए आप, ये नगर निगम के इंजीनियर और PWD के इंजीनियर ये क्या करते हैं, काहे की तनख्वाह लेते हैं, ये देखते नहीं है कि रोड निर्माण हो रहा है, नाली निर्माण हो रही है, वाटर लेवल क्या है, पानी भर जाएगा, यहाँ तालाब हो जाएगा, नदी बन जाएगी। ये देखिए, यहाँ देखिए, पीछे देखिए, जगह जगह पूरा पानी भरा हुआ है। क्या है ये, समझ से बाहर है। ये भाई साहब, आपको क्या बताया मैं, चारों तरफ पानी पानी है। 50 बार यहाँ निर्माण किया गया, लेकिन प्रॉब्लम वही आज भी वर्तमान में अव्यवस्थित है। और 50 बार व्यापारिक संघ लोग भी इसमें कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन इस पर कोई अभी तक के कार्रवाई नहीं हुई है, ना निर्माण नहीं हुआ है। पहले से भी बदतर हो गया है, पहले से तो और ज़्यादा बदतर हो गया है। जिसमें ग्राहक आते हैं, ग्राहक चुपचाप बाहर चले जाते हैं, व्यापारिक संघ टोटल परेशान है और बार बार उसी चीज़ को बोल के ये लोग थक चुके हैं। नगर निगम से मेरा दरख्वास्त है कि जल्दी ये अव्यवस्थित को व्यवस्थित करें। रोड जब बनाया गया तो वाटर लेवल नहीं देखा गया है, और ये हमारी जो शॉप के सामने है वाटर लेवल 1 फीट नीचे है। जेल चौक से अगर समृद्धि बाजार तक देखा जाए तो 1 फीट नीचे वाटर लेवल नीचे है। वाटर लेवल देख के बनाता है तो बाहर की वो नहीं आती, समस्या नहीं आती, लेकिन इन लोग क्या बिना वाटर लेवल देखे सिर्फ रोड में डामर चिपका के चले गए हैं। इसकी वजह से आज हमको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले जो रोड थी वो जो सबसे अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी। नया रोड बनाने के बाद हम लोग को समस्या का बहुत ज़्यादा मतलब समस्या समाधान नहीं हो पा रहा है। निगम की व्यवस्था पूरी फेल है। इसमें अघोषित स्विमिंग पूल है, जैसा समझ लीजिए रोड उसमें, और पूरा रोड का कचरा कर दीजिए, कहीं करोड़ों रुपये का पूरा सत्यानाश कर दिया नगर निगम में। नगर निगम की पूरी नाकामियाँ भी है ये। PWD विभाग, नगर निगम, महापौर जी, कमिश्नर साहब, सबको मतलब उदयपुर जाने की जरूरत नहीं। उदयपुर को झीलों का शहर बोलते हैं, झीलों का शहर अब दुर्ग शहर में भी आप देख सकते हैं, इतना जगह जगह झील बनी हुई है दुर्ग शहर में। शहर में हुए जल भराव की जानकारी लगते ही स्थानीय विधायक अरुण वोरा ई रिक्शा के माध्यम से वार्ड में पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। वहीं निगम अधिकारियों को निर्देशित कर इस तरह की स्थिति से निपटने ठोस कार्रवाई करने की बात कह डाली। पद्मनापुर वार्ड के पार्षद ने निगम की कार्यप्रणाली पर टांट कसते हुए आभार भी जताया। अनवरत रूप से जो बारिश हो रही है उससे केवल पद्मनापुर और ये गौरवपथ ही नहीं, बल्कि समूचे क्षेत्र में निचली जो बस्तियां हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। मैंने अभी आयुक्त और स्वास्थ्य अधिकारी से कहा है कि वे अपनी पूरी टीम के साथ भ्रमण करें और किन कारणों से पानी का भराव हो रहा है। जैसे मैं वार्ड नंबर 19, 20, 21 गया था तो वहाँ पर मुझे ये बताया गया कि 5 वार्डों का जो पानी है एक ही नाले से प्रवाहित हो रहा है, जिसके कारण भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उस भराव की स्थिति को नगर निगम के कमिश्नर जाके देखें, जितने कार्यपालन यंत्री हैं वो वहाँ पर जाके देखें, और जो सब इंजीनियर है, जो उस विभाग, जो उस ब्लॉक के इंचार्ज है वो वहाँ पर जाके रहे। ऑफिस में बैठ के रहने से काम नहीं चल सकता। मैं सुबह से ही 5 बजे से ऑटो रिक्शा में, ई रिक्शा में भ्रमण कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैंने फरिश्ता कॉम्प्लेक्स की जो सड़क देखी है अग्रसेन चौक से पटेल चौक तक, वो सड़क बहुत ही ख़राब हो चुकी है। पानी गिरने से और गड्ढे हो गए हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, ई रिक्शा भी दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है। मैंने सीधे वहाँ से कलेक्टर के पास पहुँचा, कलेक्टर श्री मीणा जी के पास, उनके निवास में गया,
तो मैं अमूमन कम जाता हूँ और विभाग कलेक्टर महोदय से मैं उनके ऑफिस में ही चर्चा करता हूँ, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैं ई रिक्शा से वहाँ पहुँचा और कलेक्टर ने भी इस बात को गंभीरता से लिया है और उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि तत्काल वो गड्ढे भरे जाए। इसके साथ ही साथ मैंने निगम के आयुक्त से भी कहा है और उसके एक कॉन्ट्रैक्टर को लेकर मैं वहाँ भी पहुँचा था, उसको सड़क भी दिखाया कि इस सड़क के पहले गड्ढे भरे और उसके बाद किन कारणों से पानी का भराव होता है, गड्ढे होते हैं, उसकी स्थिति को आप उसका निराकरण करें तो अब जल भराव की स्थिति आगे न हो, इसका ध्यान जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन रखे, इस बात की हिदायत मैंने आयुक्त को दी है। पानी की व्यवस्था गौरवपथ, जब से गौरवपथ का निर्माण कर रहे हैं विधायक महोदय जी, महापौर महोदय जी, वो तब से पानी की इतनी ज़्यादा समस्या हो गई है। गर्मियों में तो पानी नहीं मिल रहा है, बरसात में स्विमिंग पूल भर रहा है, पूरा वार्ड लबालब भरा हुआ है। मतलब ये कहा जाए कि पद्मनाभपुर के स्टेटस को देखते हुए यहाँ स्विमिंग पूल का निर्माण किया जा रहा है। सड़कों में पानी में ये गौरव पथ नाम बस दिया जा रहा है, क्या गौरव बढ़ रहा है, इसमें तो पूरा शहर की जनता त्रस्त हो रही है। मैं इस वार्ड की पार्षद हूँ हेमा जग्गी शर्मा, और मैं क्या बोलते हैं विधायक महोदय जी को, महापौर महोदय जी को, आयुक्त महोदय जी को और लोक निर्माण प्रभारी को धन्यवाद देती हूँ कि पद्मनाभपुर की इतनी अच्छी दूरदर्शा बना के रखे हुए हैं, जो आज तक कभी नहीं हुआ ये अब देखने को मिल रहा है हमको। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।